छोटे उस्ताद है, उनकी परफॉर्मेंस क्या आप देखना चाहेंगे? अरे आवाज करो यार, देखना चाहोगे? तो शुरू करते हैं हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस के साथ में। सुशांवी और मिनिका का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो नेक्स्ट हमारी एक बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारी गणेश वंदना थी वो मिसिंग थी, तो वो हमें अभी हमें मिल चुकी है। सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने जा रही है हमारी मोस्ट सेंसेशनल भाभी ऑफ ऑल टाइम, तो जिनके लिए मैंने एक शायरी लिखी है कि मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न नारी, मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न नारी जो स्वभाव से है भद्रकाली, मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न नारी जो स्वभाव से है भद्रकाली, अब क्या ही लिखूं इनके बारे में, अब क्या ही लिखूं इनके बारे में अब, क्योंकि इनकी बात है निराली। जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए द सेंसेशनल डॉक्टर ऋचा मेहता जरारिया का। कल इनकी शादी है और आज जनता ये जानना चाहती है कि आज इनकी बहन है, इनके भाई, अरे तुम्हारा भाई कर रहा है यार एंकरिंग, तुमने बोले तो एक बार, पर तुम क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? मैं तो डांस करता नहीं भाई, मेरे लिए डांस कर रहे हो तुम लोग? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, बाकी के संगीत में तो जो सबसे जिसकी शादी होती है, और अभी तो अपने भाभी को भी नहीं लाई है, क्यों नहीं लाया बताओ, क्यों नहीं लाया? घर वालों को पूछना पड़ेगा भाई। और बाकी जगह तो चलते रहे, भाभी को इसलिए नहीं लाया कि वो भी सरप्राइज नहीं, मुंह दिखाई करना पड़ता ना पहले। ओ माय गॉड, सेवेज आंसर, सेवेज सेवेज, आग लगा दी, आप तो मुंबई पक्का आ रहे हो। सो नेक्स्ट, अभी कल आपकी शादी है, ठीक है, शादी यानी दूसरी बर्बादी बोलते हैं ना सब, तो आपके क्या, मेरी मेरी भी होंगी ना, रवि नहीं, क्या रवि तो इतनी उम्र नहीं है मेरी। सो अगर उसने नाच लिया ना तो लाइमलाइट सिर्फ उसी को मिलेगी, बाकी को नहीं रहेगा। मेरे को लाइट की बात कौन कर रहे हैं जो जापान में रहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल तूने मुझसे पूछा है और मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो यार, देखो ये पावर है बहादुर पेट्रोल पेट्रोलियम का, ये पावर है, ठीक है, आपका प्रमोशन करने का थोड़ा 5-6 लीटर तो भरेंगे। सो नेक्स्ट, टंकी भर देंगे, टंकी भर देंगे। नेक्स्ट हम सवाल पूछेंगे हमारे दूल्हे की मम्मी से। प्रणाम हुआ, आइए आइए मिस। अरे जनता आपसे भी सवाल पूछना चाहती है, जनता यार मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इसे शर्माई है मत, कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं आता क्या, सब कुछ आता है, आइए स्टेज पे आइए। सो प्रभा बुआ से हम सवाल पूछेंगे, प्रभा बुआ आपको कैसा लग रहा है कि आपके लड़के नमीतिया की कल शादी है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, अच्छा हो रहा है। और कल हमारी आपको बहू मिलने वाली है, तो उस चीज की खुशी है कि यार टेंशन है कि बहू कैसी होगी? खुशी है, मैं बहुत सारे सासू माँ को टेंशन रहती है भाई कि बहू कैसी होंगी, हमारे बुढ़ापे में कुछ करेंगी कि नहीं, तो आपको ऐसा कुछ
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह, भरोसा हो तो ऐसा यार, ये है भारतीय मूल की नारी। तो बहुत जोरदार तालियां हमारी प्रभा बुआ के लिए, बहुत ही दिग्गज मेंबर हमारे फैमिली ट्री के साथ में। तो ऐसे हमारे बहुत दिग्गज और बहुत खूबसूरत कपल का मैं स्वागत करना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स वेलकम आकांक्षा एंड ज्ञानी तिजोरी। सिखा देंगे यार, पत्नी का काम है पति को सिखाना, है ना। तो अभी उसके हाथ में डंडा नहीं हुआ था लगे। सो गाइस, लेट्स चीयर इट अप फॉर आकांक्षा एंड ज्ञानी। 2 3 बड़े अच्छे लगते हैं मेरे फूफा, मेरी बुआ, इनकी जोड़ी और हम। बहुत जोरदार परफॉर्मेंस यार, परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट अनडिस्प्यूटेड। जोरदार तालियां बजाओ यार, बहुत बढ़िया। सो इतने धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हम भी बहुत वेट कर रहे थे यार, कब आएंगे भैया, कब करूंगा मैं शो का एंड, कब जाऊंगा घर। क्या हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुई? वो नहीं देखे, अच्छा देखे नहीं, सीधा करके हाथ धो के आ गए। तो गाइस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर आशीष जरारिया एंड डॉक्टर ऋचा मेहता जरारिया। सो तो अभी नाउ इट्स टाइम फॉर द डीजे नाइट ऑफ महादुनी फैमिली।